औद्योगिक नगर कोरबा के बस स्टैंड में आज सुबह तड़के 7 बजे दो दुकानों का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। सौभाग्यवश दुकानें बंद थी, नहीं तो छज्जा गिरने से यहां बड़ा हादसा हो सकता था। गीतांजलि भवन का निर्माण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के दरमियान 80 के दशक में साडा कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ था, जो कि अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ प्रथम तल में कई दुकानें संचालित हो रही है। दुकानदारों ने एक दुकान को 4-4 दुकानों में तब्दील कर दिया है। इसकी कई बार शिकायत भी हुई है, मगर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके कारण यह गीतांजलि भवन कमजोर हो गया है। वह कभी भी भरभरा कर गिर सकता है, इससे बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। कॉम्प्लेक्स में कोरबा का पहला सार्वजनिक वाचनालय, कैरियर पब्लिक स्कूल और ओरिएंटल इंश्योरेंस का भी दफ्तर स्थित है। ये 7:20 की घटना है, ये सवेरे मॉर्निंग में, और ये बिल्डिंग हो चुकी है जर्जर। सारे बीम, सारे दुकानदारों ने दीवार तोड़ तोड़ के बीच से पूरा एक दुकान को चर्चर दुकान बना के रखे हैं। इसकी वजह से और ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। जिसके जिम्मेवार दुकानदार होंगे, जो पूरे दीवारों को तोड़ दिए हैं अंदर से। एक दुकान निगम अलाट की है, वो पूरे दुकान को खरीद के मतलब चर्चर दुकान बना लिए हैं पूरे। एक दुकानदार है जिसके पास 2 दुकान बना लिया है, पूरे बीम को पूरी दीवारें टूट चुकी है यहाँ से वहाँ तक। जिसका निगम को ध्यान देना चाहिए, इंक्वायरी इनका करना चाहिए। आते हैं फिर चले जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। 84-85 की बिल्डिंग बनी हुई है, एक अंदाज। निगम काम कराती है, काम नहीं कराती ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ठेकेदार जो क्या करता है, पुट्टी उट्टी मार के उसको ऐसे हल्का पॉलिश करके छोड़ देते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करके। और ये बाथरूम से पानी वानी आने का रास्ता पूरा जाम हो चुका है। जो क्लिपर 28 के लिए कोरबा से कुमार सुनील की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.